हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेलॉयट की ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में। तो डेलॉयट की साइड से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दे आर करेंटली हायरिंग फॉर एसक्यूएल डेवलपर एज अ एनालिस्ट। ओके, सो एज अ एनालिस्ट आप ज्वाइन किए जाएंगे एंड आपका जॉब डेटा यहाँ पे होने वाला है एसक्यूएल डेवलपर। अगर हम डोमेन की बात करें तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डोमेन में काम करने वाले हैं एंड जॉब लोकेशन हैदराबाद। अब हम बात करते हैं कि आपके पास क्या स्किल्स क्राइटेरिया होना चाहिए इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो स्किल्स डेफिनेटली, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर एसक्यूएल डेवलपर, तो एसक्यूएल तो आपको आना चाहिए विद एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट। एडवांस टेक्नोलॉजी बिकॉज यहाँ पे मेंशन किया गया कि SSIS पैकेजेस एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। सो आपको SSIS की भी नॉलेज होना चाहिए विद एसक्यूएल। एसक्यूएल तो आपको आना चाहिए बेसिक्स प्लस एडवांस लेवल का। अगर आपको एडवांस लेवल का आता है तो इट इज़ वेरी गुड, एंड आपको इंटरमीडिएट लेवल का भी आता है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको एसक्यूएल तो आना ही चाहिए, एंड अगर आपको एसक्यूएल SSIS की नॉलेज है, अगर SSIS टूल पे आपने कभी वर्क किया है, SSIS की आपको नॉलेज हो, डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने SSIS किया है तो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, तो BTech, MSc सॉफ्टवेयर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड MCA। सो BTech, MSc एंड MCA स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं एंड अप टू 2 years ऑफ टोटल रिलेवेंट एक्सपीरियंस। सो अप टू 2 years मीन्स अगर आपके पास 2 साल तक का एक्सपीरियंस है एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप भी की है SQL पे, आपने वर्क किया है कहीं पे, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाके इस अपॉर्चुनिटी में आप जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर दीजिए, एंड इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।